Good afternoon, learners. Once again, I am here with the third part of noun. Third part के साथ मैं आपके साथ यहाँ हूँ और I hope कि you will enjoy the first two videos of noun. Okay, that is very, very important from the point of competitive exam and from academic point of view. दोनों point of view से बड़ा important है. तो अभी मैं we just continue and we carry on from where we left. ठीक है ना, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम carry on करते हैं इस third part को. Part 3. Okay. तो हम जैसे nouns के singular and plurals के बारे में बात कर रहे थे कि कब नाउन सिंगुलर होता है कब प्लूरल होता है, उसी को हम कैरी ऑन करते हैं. तो इसमें जो एक मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि हाइफन फॉर्म होती है. हाइफन फॉर्म जैसे कि जिस पर हाइफन लगा होता है, जैसे अभी मैं कहूँ 200 और हाइफन लगा दिया और बाद में क्या था, मान लो एग्जाम में ऐसे आएगा जैसे रुपीज लिखना है, ठीक है, तो आपने नहीं लगाना, आपने 200 रुपी ही करना है. क्या हो जाएगा, हाइफन फॉर्म इज नेवर मेड प्लूरल. को प्लूरल नहीं बनाया जाता, वो सिंगल ही रहती है. हाइफन के बाद जो नाउन आती है वो क्या रहती है, हाइफन के बाद जो नाउन आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, ध्यान रखना है. इसी के साथ एड करते हुए अभी जैसे हाइफन का ही चल रहा है, वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड कंपाउंड नाउन. अभी हमने कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ा है, कंपाउंड नाउन. अब कंपाउंड नाउन को हम प्लूरल बनाते हुए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार एग्जाम में भी आता है कि इसका सपोज करो ये आ गया, फादर इन लॉ का क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है. आपने ध्यान रखना है कोई भी कंपाउंड नाउन का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो उसके प्रिंसिपल वर्ड पर, प्रिंसिपल में मेन नाउन पर हमने एस और एस लगाना है, ठीक है ना, जो भी लगेगा. तो अब देखिए इसमें कई मेन मिस्टेक क्या कराते हैं, लॉज कर देते हैं, फादर इन लॉज बस लास्ट में कर देते हैं. नो, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत होगा. आपने करना क्या है, जैसे इसमें मेन है फादर, तो क्या है, फादर्स इन लॉ. ठीक है, कई बार और भी देखिए, जैसे कि मेल सर्वेंट इसका आ जाता है, मेल सर्वेंट इस प्रकार से आ जाता है. तो क्या होगा, इसमें मेल उसका है, मेन चीज क्या है, सर्वेंट है, तो क्या आ जाएगा, मेल सर्वेंट. इसका क्या हो जाएगा, मेल सर्वेंट्स, इसका प्लूरल हो जाएगा. ठीक है, तो आपने बड़ा ध्यान रखना है, जैसे पासर बाय आ गया, जैसे लुकर ऑन आ गया, अभी हमने किया था, लुकर ऑन क्या होता है, दर्शक होता है. अगर इसका प्लूरल बनाना है तो क्या आ जाएगा, लुकर्स ऑन. ध्यान देना है, इसका प्लूरल बनाते हुए हमें बड़ा ध्यान रखना है. नेक्स्ट, अब हम आते हैं यूनिट्स ऑफ काउंटिंग होती है. Units of counting. Units of counting में क्या क्या आता है, जैसे कि dozen हो गया, जैसे कि pair हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाता है. जैसे अभी मैं कहूँ, जैसे 2 dozen, जब मैं संख्या की बात करता हूँ, अगर इससे पहले कोई भी नंबर आ जाए, जो भी यूनिट्स ऑफ काउंटिंग है उसके पहले कोई भी नंबर आ जाए, तो हमने इन यूनिट्स ऑफ काउंटिंग को प्लूरल नहीं करना है. जैसे आप क्या आ जाए, ऐसे कई बार ये कॉमन एरर्स में आता है, 2 dozens bananas, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने ये एरर ये है इस सेंटेंस में,
क्योंकि नंबर के बाद कोई भी काउंट है, उसके बाद अगर कोई काउंटिंग यूनिट ऑफ यूनिट्स ऑफ काउंटिंग आता है जैसे कि डजन है, तो हमने उसमें एस रिमूव करना है, ठीक है, टू डजन बनानास, इस प्रकार से वो हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने इस चीज़ का बिल्कुल। नेक्स्ट, इसके बाद मान लो अभी हमने किया जैसे कोई भी इनडेफिनेट, ये तो नंबर का था, अगर इनडेफिनेट आ जाए, ठीक है, इनडेफिनेट का नंबर आ जाए जैसे कि मान लो पीपल है, ठीक है, तो उससे पहले मान लो ये दिया हुआ है 100, तो हम इसको एस लगाएंगे, प्लूरल बना लेंगे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ठीक है ना। अगर ऐसे आ जाए टू हंड्रेड पीपल, यहाँ पर 200 पीपल नहीं आएगा, 200 आएगा, ध्यान रखना। अगर इनडेफिनेट नंबर है जैसे कि क्या है पीपल है, और यहाँ पर अगर नंबर पहले आ जाए इसे जो भी यूनिट्स ऑफ काउंटिंग जैसे 100 है, ये भी डजन है, पैर है, और क्या है 1000 है, ये सब क्या है यूनिट्स ऑफ काउंटिंग। बड़ा ध्यान देना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अक्सर बहुत ही मिस्टेक करते हैं हम इनमें, बड़ा ध्यान से देखना। अगर ऐसे आ जाए 2 रुपी नोट, 2 रुपीज़ नोट नहीं आएगा, 2 रुपी नोट, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट हम आते हैं कई बार प्रेपोजिशन के बाद पहले एक नाउन होती है, उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद फिर एक नाउन आती है, तो वो नाउन भी क्या होती है सिंगुलर होगी। जैसे आफ्टर नाउन टाइम एक नाउन है, ठीक है, आफ्टर टाइम, ठीक है, इस प्रकार से सिप आफ्टर सिप, डो टू डो, देखिए सभी क्या है ये नाउन, सभी सिंगुलर होंगी, ये प्लूरल नहीं करनी है, टाइम आफ्टर टाइम, टू टू टू, ठीक है, डो टू डो, इस प्रकार से ये बड़ा ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अक्सर कॉमन एरर्स में या इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं और हमें मिस्टेक को फाइंड आउट करना होता है, एरर को फाइंड आउट करना है, ये एरर आपने ऐसे देखनी है, ओके। अब हम नेक्स्ट आते हैं, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग जैसे वर्ब्स में है तो वर्ब्स भी आपस में वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड होते हैं, ऐसे नाउन्स में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मैं आई विल जस्ट गिव सम एग्जांपल्स, मैं तो आपको थोड़े से एग्जांपल्स दूंगा, यू हैव टू डू इन डेप्थ स्टडी, लेकिन इन डेप्थ स्टडी तो आपको करनी है, आपने देखना है कि अब जैसे मैं तो आई एम जस्ट गिविंग अ हिंट टू यू, मैं तो आपको हिंट दे रहा हूँ, आपने बुक्स वगैरह में जाके थरली स्टडी करनी है कि ये क्या है। जैसे कई बार सिंगुलर प्लूरल से भी क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं और हमें समझ नहीं आ पाता कि हम इसका क्या है, हम नॉर्मली एस और एस लगाते हैं, नहीं, बट हमें देखना है। जैसे कई बार पेन जो है कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पेन, लेकिन इसका वी कांट मेक इट्स प्लूरल, हम इसका प्लूरल तो नहीं बना सकते ना, तो अब क्या मान लो अगर इसके वैसे भी हम एस लगा दें तो इसका प्लूरल तो नहीं बना, इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, पेन्स मीन्स इसका यहाँ पर क्या है हार्ड वर्क, इसका मीनिंग क्या है हार्ड वर्क, ठीक है ना, वी हैव टू टेक पेन, अगर इस प्रकार से कहें पेन्स पेन इसमें एस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा हार्ड वर्क बन जाएगा, ठीक है, और केयर इसका मीनिंग केयर भी होता है, इसमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी नेक्स्ट थिंग गेन है, वैसे गेन तो प्राप्त करना होता है, बट इसके साथ अगर एस लग जाए गेन्स मीन्स प्रॉफिट्स भी आ जाएगा, इसका मीनिंग प्रॉफिट्स आ जाता है, बेनिफिट्स भी आ सकता है, इसका मीनिंग
बेनिफिट्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे कि वोटर है, वोटर के साथ ये सारे जो नाम बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, ये है सारे अनकाउंटेबल भी है। क्या है? अनकाउंटेबल, क्योंकि हम इसका प्लूरल तो बना ही नहीं सकते, लेकिन अगर एस लग जाए इनके साथ तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे वोटर, ये कई बार है ना पूछे जाते हैं एग्जाम में, वोटर्स, वोटर्स से हमने वोटर्स बना दिया, लेकिन वोटर्स का क्या हो गया, सी स्मूथ को बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। जैसे मैंने अभी पहले आपको वुड का बताया था, और वुड के साथ अगर एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग फॉरेस्ट, जिसको हम जंगल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आयरन, आयरन एक नाउन है, ठीक है, आयरन तो एक क्या है, मेटल है, लेकिन इसके साथ तो हम मटेरियल नाउन के साथ तो हम प्लूरल बना ही सकते, लेकिन अगर इसके साथ एस लग जाए तो आयरन मीनिंग बन जाता है इसका। इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, फैटर्स। फैटर्स क्या होते हैं, बेड़ियाँ, लोहे की सलाखें, इस प्रकार से ये इसका मीनिंग बन जाएगा, जैसे लोहा होता है, लेकिन एस लगाते इसका मीनिंग ही चेंज हो गया टोटली। ऐसी सैंड है, सैंड, सैंड है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सैंड, वैसे तो रेत होता है, लेकिन अगर सैंड के साथ हम एस लगा दें तो सैंड बन जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, डेजर्ट, क्या हो जाता है इसका मीनिंग, डेजर्ट हो जाता है, मरुस्थल हो जाता है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस टाइप ऑफ नाउन्स, हमें बड़े ध्यान दे से देखना है कि इसके मीनिंग कैसे चेंज हो जाते हैं, और कैसे हमने आगे इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ये ध्यान देना है हमें। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स, ये तो हमारा नंबर के बारे में था कि नाउन नाउन कैन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें ध्यान रखना है सभी, सिंगुलर प्लूरल को हमने अच्छे से देखना है कि किस प्रकार से सिंगुलर में, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ, कोई भी नाउन आ सकती है, क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयरन्स हियर, किसी से भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड, आपको अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना है, कोई भी, यू हैव नॉट टू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रखना है। यू हैव टू गो ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है ना, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करते ही रहना है। अब देखिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नाउन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जेंडर, जेंडर बहुत ही कई बार एग्जाम में इसमें से भी पूछ लिया जाता है। जेंडर क्या होता है, जेंडर मीन्स, जेंडर भी एक नाउन है, अ नाउन विच टेल्स अस, विच टेल्स अस वेदर द नाउन इज मेल और फीमेल, ठीक है ना, हमें मेल और फीमेल का जो बोध कराती है, हमें पता लगे कि ये मेल है या फीमेल है उसके बारे में, या कोई कॉमन चीज है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। जेंडर, जेंडर मीन्स अ नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल, मेल और फीमेल और एनी कॉमन, ठीक है ना, कॉमन जेंडर भी हो सकता है, और एनी न्यूट्रल, न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल भी बोलते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स को ज़्यादा जो रिफर करता है, जिक्र करता है। तो नाउन, सॉरी, नाउन में जेंडर जो है स्पेशली हम फोर कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मैस्कुलिन, मैस्कुलिन भी बोल देते हैं मैस्कुलिन। सेकेंड इज फेमिनाइन, फेमिनाइन। थर्ड वन इज कॉमन। फोर्थ इज न्यूट्रल, और न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, ठीक है। दीज आर मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। आपको ध्यान होना चाहिए डियर लर्नर्स कि मैस्कुलिन जो होता है, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन हमेशा रिफर करता है किसको, मेल, मेल को, विच यू नो टेल्स अबाउट मेल, मेल कम्युनिटी के बारे में हमें बताता है, ठीक है ना। जो हमें इन हिंदी अगर कहूँ तो पुरुष जाति का जो बोध कराता है, मेल का हमें जो बोध कराता है उसको बोलते हैं मैस्कुलिन, जैसे कि बॉय, ठीक है, बॉय, कार, सॉरी सॉरी नॉट कार, बॉय। अगर हम उसके बाद कोई भी और पर्सन का नाम ले सकते हैं जो कि मेल कम्युनिटी को शो करता है, ठीक है ना, और भी बहुत हो सकते हैं, जैसे कि नाम हो गए, जैसे कि राम है, ठीक है,
और नाम से भी पता चलता है कि मेल है या फीमेल को शो करता है, नेम से पता चलता है मेल बॉय राम हो गया इस प्रकार से। नेक्स्ट है फेमिनाइन, क्या है जो फीमेल कम्युनिटी को शो करता है, यानी कि जो कि हमें फीमेल को डिनोट होने का, जैसे कि गार गार, ठीक है, जैसे सीता, उसके बाद जैसे मैं, ठीक है, वोमन, ठीक है ना। इस प्रकार से हम जो कि मेल का मेल को डिनोट करता है उसको मैस्कुलाइन, और जो फीमेल कम्युनिटी को शो करता है उसको बोलते हैं फेमिनाइन। ये ध्यान रखना है, जो नाउन किसको मेल कम्युनिटी को शो करे मैस्कुलिन, और जो फीमेल को शो करते हो फेमिनाइन। ओके, नेक्स्ट है कॉमन। कॉमन मीन्स जैसे मैंने नाउन में अभी बताया है, जैसे हम टाइप्स कर रहे, काइंड्स कर रहे थे नाउन्स की। कॉमन मीन अ नेम दैट इज गिवन इन कॉमन, जो कि कॉमन नाम दे दिया जाता है। अभी जैसे कॉमन में आ गया, जैसे कॉमन में आई एम अ टीचर, टीचर में भी मेल और फीमेल ये कॉमन हो गया। इसको सभी अब मेरे को स्टूडेंट्स, चाहे कोई गर्ल आती है चाहे कोई बॉय आता है, वही कहेगा मे आई कम इन टीचर, मे आई कम इन टीचर कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरी जगह अगर कोई मैडम है उसको भी कहेंगे, कह सकते हैं मे आई कम इन टीचर, उसको भी टीचर कह सकते हैं। यानी कि दोनों बॉय भी गर्ल भी दोनों अपने टीचर को, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसको एक नाम से बुला सकते हैं, क्योंकि कॉमन होता है जो, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो वैसे क्या आएंगे, अगर मैं हूँ कोई भी लड़का या लड़की आते हो, मैं आई कम इन सर, मुझे ऐसे कहेगा। अगर कोई मैडम होगी, मैं आई कम इन मैम, उसको ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर एक वर्ड उनके लिए चूज करना हो, जैसे बहुत सारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा प्रनाउंस किया जाता है कि मैं आई कम इन टीचर, उसमें कोई वो नहीं रहता मेल और फीमेल का, वो क्या कॉमन वर्ड है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। टीचर है, डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं न्यूट्रल जेंडर। बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं न्यूट्रल का मतलब, वैसे तो क्या होता है न्यूट्रल, कि कोई भी मतलब किसी चीज़ में जो नहीं है ना, कि मेल है ना ही फीमेल है, ऐसे को बोल देते हैं कि नए मेल है ना फीमेल है। ट्रांसजेंडर भी होते हैं, ट्रांसजेंडर भी, जिनके कोई भी मेल और फीमेल सेक्स होता ही नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, वैसे तो नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को ये डिनोट करता है, जो भी मृत वस्तुएं हैं जो भी। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यंग चिल्ड्रन, जो भी बच्चे होते हैं, उनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, न्यूट्रल जेंडर का यूज करते हैं। यंग चिल्ड्रन न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, और लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, लोअर कैटेगरी के, जैसे कि माउस है, कैट है, ठीक है ना, कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि माउस है, कैट है, बेबी है, बेबी को भी हम कहेंगे, ठीक है ना, उसको हम न्यूट्रल में कंसिडर करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। अभी जैसे हम में इसके जो जेंडर में करेंगे, मेल क्या है इसका, फीमेल क्या है, तो हमें बहुत ध्यान देना है, मेल और फीमेल में उसका न्यूट्रल क्या बनेगा, इस प्रकार से कॉमन में क्या आएगा, अब जैसे पहले अगर कोई राइटर, अब जैसे मान लो कोई अगर प्रोज लिखता था तो उसको ऑथर बोलते थे, ऑथर बोलते के बोलते हैं अभी, ठीक है ना। और अगर कोई प्रोज में लिखता है, सपोज का एग्जांपल के तौर पर अगर कोई पोइट्री लिखता है तो उसको पोइट बोलते हैं, और पोइट में भी पोइट्री की, ठीक है। अब इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड भी यूज किया जाता है, कॉमन जन राइटर, चाहे वो पोइट्री लिखता है चाहे वो प्रोज लिखता है, दोनों के लिए वर्ड यूज करते हैं, राइटर लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के लिए, अब पोइट और उसके लिए, पोइट भी कॉमन बन गया है, पोइट भी कॉमन ट्रेंड में है, पोइटस बहुत कम लिखते हैं, पोइटस क्या बन गया है, ये भी कॉमन बन गया है,
ठीक है ना, वो मेल है या फीमेल है सब उसको क्या कहेंगे, तो पोएट लिखता है उसको पोएट ही कहेंगे, ये ध्यान देना आपने इस चीज। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट है। कई बार कैटेगरी पूछ ली जाती है, ठीक है ना, सपोज करो सेंटेंस दिया जाता है द कैट इज ऑन द टेबल, कैट टेबल पर है, कैट को पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा नाउन है, या जेंडर ही पूछ लिया जाएगा कौन सा जेंडर है, तो सभी इसको क्या क्या लिख कर आएंगे, सभी इसको फीमेल कम्युनिटी में जानते हैं तभी उसको लिख कर आएंगे, और हमें पता भी होना चाहिए जैसे कि सन है मून है, सन को हम किस कैटेगरी में लेते हैं मेल फीमेल में, ठीक है ना, तो हमने देखना है ये चीज़ें, हमने डिटेल में स्टडी करनी है, तो बहुत ज़्यादा आप इनडेप्थ स्टडी इसके करोगे ध्यान से कि मेल क्या है इसका फीमेल क्या है, इस प्रकार से हमने देखना है। कुछ तो सीधे से ई डबल एस लगकर भी बनता है फीमेल, जैसे टाइगर है टाइग्रस, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे हैं चेंज करके बनते हैं, ठीक है ना, जैसे डॉग का है जैसे बिच हो गया, कंप्लीट अलग हो गया बिल्कुल, डॉग का बिच हो गया, तो इस प्रकार से हमने देखना है। नेक्स्ट केसेस ऑफ नाउन, अब हम केसेस करेंगे केसेस ऑफ नाउन की केस, देखो नाउन है या प्रोनाउन है दैट वी आर गोइंग टू टेक इन नेक्स्ट वीडियोस, हम वी विल टेक प्रोनाउन। तो इसमें क्या है केसेस ऑफ नाउन में फर्स्ट आता है, कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं जैसे कि नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके, तो इसका जो नॉर्मल है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। केसेस में क्या है केसेस, वी हैव थ्री केसेस, हमारे पास थ्री केसेस होते हैं, फर्स्ट को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस जिसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड इज एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव और जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं सिंपल टर्म में। थर्ड वन इज जेनेटिव केस, जेनेटिव या फिर सिंपल टर्म में इसको पजेसिव भी हम बोल सकते हैं। हम नॉट टू कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना, कई बार एग्जाम में क्या हो जाता है ये पूछ ले जाते हैं कि इसका नॉमिनेटिव फॉर्म क्या है, तो हमें पता ही नहीं होता कि नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होती है, क्योंकि हमने तो क्या सुना होता है सब्जेक्टिव केस सुना होता है, हमें पता नहीं होता, वी इजीली कंफ्यूज, बहुत आसानी से हम कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वी मेक इट रॉन्ग और गलत कर देते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैंने बताया है कि नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, एक्यूजेटिव को ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं और जेनेटिव को हम पजेसिव केस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मान लो अगर कोई नाउन, कोई नाउन अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आ रही है, If a noun is coming in place of subject, that will be subjective case. वो कौन सा case होगा? Subjective case होगा. अगर कोई noun, if any noun is coming in place of object, अगर object के स्थान पर आ रही है, that will be objective case. जैसे मैं अभी बताता हूँ, जैसे अभी Ram eats a bread. Bread, ठीक है? राम इट्स अ ब्रेड, राम एक क्या खाता है ब्रेड खाता है, ठीक है, ठीक है। और कोई भी हम ले सकते हैं, एन एप्पल, एप्पल ले सकते हैं, एन एप्पल, ओके एप्पल ले लिया, राम इट्स एन एप्पल, यहाँ पर राम क्या है अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं सब्जेक्ट, और क्या है कि नाउन भी है, ठीक है, तो राम यहाँ पर क्या है सब्जेक्टिव केस है, क्या है सब्जेक्टिव केस है इस सेंटेंस का। अब एप्पल, एप्पल भी क्या है नाउन है, क्या है नाउन है, लेकिन किसके स्थान पर आए हैं इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए हैं,
तो ये एप्पल क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, और नॉमिनेटिव केस क्या था, अब आता है पजेसिव केस, ठीक है ना। पजेसिव केस, पजेसिव केस को हम देखिए, पजेसिव केस का मीनिंग क्या होता है, पजेसिव मीन्स विच पजेस समथिंग, यानी कि जिसको रखने का, कुछ होने का, कुछ अपने साथ एक रिलेशन का जो हमें बोध कराता है, इस प्रकार से हमें डिनोट करता है ये चीज़ें, ठीक है ना, पजेस करने का, जिसका रिलेशन शो करता है हमारे, ठीक है, पजेसिव केस बोलते हैं उसको। और जैसे पजेसिव केस में हम इसके लिए आपको पता है एस का भी यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अभी मैंने कहना राम का भाई है कोई, ठीक है, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर, ओके, ये जो है ये क्या हो गया, पजेसिव, राम का भाई, जो कि अपोस्ट्रोफी एस से हो गया, पजेसिव केस को शो करता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखा हमने कि ये रिलेशन को, और ज़्यादातर लिविंग थिंग्स के साथ हम ज़्यादा, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी लगाते हैं, जैसे जो कि टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस को शो करने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो बहुत ही डिस्टेंस के लिए यूज हुआ है, लेकिन स्टोन के साथ भी लग गया, वैसे लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, जो भी जीवित चीज़ें हैं उनके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए हम ज़्यादा लगाते हैं अपोस्ट्रोफी, जो पजेसिव केस है ना उनका, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी कई बार लग जाता है। और देखिए मान लो कोई प्लूरल आ गया, प्लूरल, प्लूरल आ गया तो हम कैसे करेंगे, मान लो अब आ गया बॉयज, बॉयज टॉयज ऐसे आएगा, बॉयज टॉयज, ठीक है ना, तो बॉयज तो लगा हुआ है, यहाँ पर हम जो अपोस्ट्रॉफी है वो बाद में लगा देंगे, एस के बाद लग जाएगा बॉयज टॉयज, ये भी क्या है इसका पजेसिव केस, ये दिस इज नॉट कंपलसरी कि ये सिर्फ सब्जेक्टिव स्थान पर है, नो इट मे बी ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, एंड इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, इट डिपेंड्स कि कहाँ इसको जरूरत है सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। अब पजेसिव केस में कई बार प्लूरल का, जैसे मैंने बताया कि एस के बाद अपोस्ट्रोफी हम लगाते हैं, कई बार चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है जैसे, ये वैसे तो प्लूरल है, चिल्ड्रन है, अच्छा चिल्ड्रंस बुक, यहाँ पर सेम केस में आएगा, ये वैसे प्लूरल है, लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसमें, इसमें क्या आएगा, चिल्ड्रन वैसे प्लूरल है, और इसमें क्या आएगा, अब अपोस्ट्रोफी के बाद ही ऐसा आएगा इसमें, ठीक है। तो हमने इस पार्ट में किया थोड़ा सा नंबर का, हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था, बचा हुआ पार्ट था, उसके बाद जेंडर को हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया कि कैसे कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जेंडर, और उसके बाद मैंने बताया कि प्रोनाउन के केसेस, सॉरी नाउन के केसेस क्या क्या मैंने बताया, नॉमिनेटिव केस, जेनेटिव केस, और इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ किया। बट डियर लर्नर्स, ईच एंड एवरी थिंग इज नॉट रिटन हेयर, कुछ भी मतलब सब कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, बट आई हैव ट्राइड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, मैंने तो आपकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करने की कोशिश की है, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड यू टू मेक योर इंटरेस्ट इन द नाउन्स, कि नाउन्स में आपका इंटरेस्ट बने, एंड यू हैव गो फॉर यू नो डेफ्थ, आप डेफ्थ के लिए जाओ। थैंक यू वेरी मच इफ़ यू वॉच माई वीडियो, एंड इफ यू एंजॉय इट, एंड यू लाइक इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।